दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का चिप्स। आलू का चिप्स बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आता है और होली नजदीक आ रही है और होली में हम आलू का चिप्स जरूर सर्व करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू का चिप्स। आज हम चिप्स बनाने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 6 आलू लिए हैं और आलू मैंने करीब 2 से 2.5 किलो लिए हैं, लेकिन मैं आपको 6 आलूओं के साथ दिखा रही हूँ। और मैंने पानी लिया है ताकि मैं चिप्स कट के सीधे इसके अंदर डालूं, और नमक डलेगा इसमें और ये काटने के लिए। एक बारीक वाला आता है, उससे मैंने पिछले साल बनाया था, बहुत बारीक बन गया था, इसलिए मैं इस साल थोड़े मोटे वाले में बना रही हूँ। 2 आता है साइज इसमें। चलिए आपको बनाना दिखाती हूँ। ये देखिए, आलू एकदम नए वाले होने चाहिए। नए वाले आलू जो है उंगली से भी थोड़ा सा भी ऐसे करेंगे ना तो इसके छिलके निकल जाते हैं। देखिए, बस बहुत हल्का हल्का करेंगे, एकदम आराम से इसके छिलके निकल जाएंगे। देखिए, इसका छिलका निकल गया है और अब हम इसको साइड कर देंगे। इसको पहले एक बार पानी से धो लें। देखिए, मैंने धो लिया पानी से और उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और बड़े बड़े साइज में। देखिए, ये देखिए कितना अच्छा कट रहा है और कितना बारीक है ये। मैंने ये मीडियम वाला साइज लिया है तो भी हमारा इतना अच्छा कट रहा है। चलिए हम अपना सारा काट के आपको दिखाते हैं। देखिए, 3 आलू के काटे हैं। देखिए, 3 आलू इधर है। ये देखिए, 3 आलू है हमारे पास काटे हैं, और मैंने साइड में पानी ले लिया है। अब इस पानी में ये देखिए मैंने फिटकरी लिया है, और फिटकरी को मैं ऐसे घुमा दूंगी या फिर मैं इस फिटकरी को इसके अंदर डाल दूंगी। जब आप धोएंगे पानी, आलू निकालेंगे इसके अंदर से, तो ये फिटकरी को निकाल लीजिएगा। देखिए, मैं इसको, ये आलू को इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे हमारे आलू जो है एकदम सफेद रहेंगे। ये देखिए, अब इसको फिटकरी में से डालने के बाद आपको जब इसको पकाना होगा तो इसको निकाल के अच्छे से 2 पानी धो दीजिए, उसके बाद हम उसको पकाएंगे। देखिए, मैंने भगोना रखा है। देखिए, मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए। हमारा पानी गर्म हो गया है लेकिन अभी बॉयल नहीं हो रहा है। मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। उसके बाद हम इसके अंदर आलू डालेंगे। ये जो हमने आलू काटे हैं ना, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, मैंने इसके अंदर आलू डाल दिया है, और ये आलू हमारा जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम इसको ढक देते हैं। जब ये बॉईल होने लगेगा उसके बाद हम चेक करेंगे। जब हमारे आलू टूटने लगे तब समझिए कि हमारा बॉईल हो गया है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। टूटने लगे मतलब हम ऐसे दबा के देखेंगे, अगर साइड से टूट रहा है मतलब हमारा आलू पक गया है। चलिए हम ढक देते हैं, इसको 2 से 3 मिनट बाद देखते हैं। ये देखिए, मैं इसको आपको दिखाती हूँ। अब ये पका नहीं है, क्योंकि पका होता तो ये टूट जाता, टूट नहीं रहा है इसलिए मैं इसको 2 मिनट और पकाऊंगी ताकि अच्छे से पक जाए, नहीं तो फिर कच्चा रहेगा तो ये काला काला हो जाएगा। 3 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए, 2 मिनट और पकाना है। देखिए, हमारा आलू पक गया, इसलिए मैंने बंद कर दिया इसको। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये पूरी तरह पक गया है। देखिए, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ फटाफट। पकने में इसको पूरा 5 मिनट लगे हैं, क्योंकि 3 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो पका हुआ नहीं था। अब हम इसके अंदर रखेंगे इसको ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए, नीचे मैंने प्लेट रखा है। अब इसको हम फटाफट ले जाकर छत पे डाल के आएंगे।
जो आलू रखा है मैंने, इसको मैं वापस डाल देती हूँ पकने के लिए। ये पहले से हमने कट करके रखे थे, मैंने इसको फिटकरी के पानी से निकाल के दो बार धो लिया था। चलिए हम इसको डाल के आते हैं धूप में। देखिए हमने सारे आलूओं को फैला दिए हैं और अब हम इसको दिन भर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने दो तरह के पापड़ बनाए हैं, ये मैंने पहले बनाया था और ये देखिए ये कितना पतला है, ये मेरे उंगलियां भी दिख रही हैं। और ये मैंने बाद में बनाया, जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था ये वो है। ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा से सूख गया है और ये देखिए आवाज भी कर रहा है। और मैंने इसके अंदर फिटकरी मिलाई थी और इसके अंदर फिटकरी नहीं मिलाई थी। देखने में ये भले ही थोड़ा पीला दिख रहा है और ये सफ़ेद दिख रहा है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, दोनों ही अच्छा एकदम वाइट आएगा। चलिए मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये जब ये मैंने जब बनाया था पतले वाले से, ये बहुत पतला हो गया था जिसकी वजह से ये फ्राई करने पे ना मतलब बहुत ज़्यादा क्रंची और वो नहीं होता है, लेकिन खाने में अच्छा लगता है। पहले मैं आपको ये मोटा वाला जो मैंने बनाया था, अभी थोड़ा सा हल्का सा है ये, लेकिन अच्छा है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने डाला है इसके अंदर। कढ़ाई एकदम गर्म होनी चाहिए, ये देखिए, और ये हमारा रेडी हो गया। देखिए कितना वाइट बन के रेडी हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ। बस इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करना है और ये पक जाएगा। जैसे ये पक गया वैसे आप बाहर निकाल लीजिए। देखिए कितना वाइट वाइट और कितना अच्छा बन रहा है। ये बाजार के चिप्स को भी फेल कर रहा है। अब जो मैंने पतला बनाया है, पतले चिप्स बनाए हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए इसमें फटाफट डालना है। देखिए ये ऐसे फ्राई होके आएंगे पर खाने में ये भी अच्छे लगते हैं। देखिए ये मैंने मार्केट से मंगाया था और ये दो मिले थे मुझे इसके साथ में। ये बारीक बारीक वाला है जो मैंने आपको दिखाया अभी, कि ये जो है इससे इससे मैंने ये फ्राई किया है और इससे मैंने ये फ्राई किया है। देखिए इतने छोटे से ये इतना बड़ा बना है और ये बहुत अच्छा बन गया है। और आपको ये मैंने बताया था कि आपको तरीका पता चले, ये मैंने पहले बनाया था और ये मैंने अभी बनाया है। इसको मैंने फिटकरी डाल के बनाया था और ये मैंने बिना फिटकरी के बनाया था। दोनों ही चिप्स मेरे बहुत अच्छे बने हैं, खाने में दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन टेक्निक दोनों की अलग अलग है। तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ और मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरे चिप्स कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं ऐसे ही नई नई डिशेज़ ज़रूर बताऊँगी बनाना। थैंक यू सो मच।